तो यहाँ पर एक पीएम किसान बहुत नई अपडेट आई है। यहाँ पर नई अपडेट क्या है तो मैं उसके बारे में आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब जिनका जिनका आपको पीएम किसान का पैसा आता है, यानी कि साल भर में जो 6000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आपको अगर पैसा आता है, जो आपको केवाईसी अभी चल रहा है, तो आपको केवाईसी जो चल रहा है, जो आप केवाईसी कर दिए हैं और जो केवाईसी नहीं किए हैं, तो उन सभी का मैं सारा डिटेल देने वाला हूँ कि आपको उसमें नया प्रोसेस क्या है। तो जैसे आप यहाँ पर पीएम किसान का एक यहाँ पर वेबसाइट जो है मेन वेबसाइट यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर फार्मर कॉर्नर में आएंगे और यहाँ पर फार्मर कॉर्नर में आने के बाद ये एक नया सा इसमें कोई वेबसाइट एक लॉन्च हुआ है जो इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर फार्मर कॉर्नर का यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर इतना तक तो यहाँ पर दिखाता था, लेकिन एक नया यहाँ पर आया है, ऐड हुआ है कुछ इसमें, जो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पर नया ऐड हुआ है, यहाँ पर आया है रिफंड ऑनलाइन के लिए। तो रिफंड ऑनलाइन क्या है, तो आप पीएम किसान के जो अगर पैसा लेते होंगे तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानना यहाँ पर ज़रूरी है, मैं उसी के लिए इसमें आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि आपको इसमें क्या इसमें नया अपडेट आया है। तो यहाँ पर जो पैसा लेते हैं और जो पैसा नहीं लेते हैं उन सभी को यहाँ पर देखना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इस वाले वेबसाइट को। यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको कुछ पेज ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ ऑलरेडी पेड ड्यू रिफंड द डिपार्टमेंट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक बाय द अदर मेंस। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो भी पीएम किसान का पैसा लेते हैं और जो आईटीआर फाइल करते होंगे, यानी कि टैक्स किसी का टैक्स भरते होंगे, यानी कि इनकम टैक्स वाले ये सब जो डिपार्टमेंट होता है, इस समय अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं यानी अपना टैक्स भरते हैं, तो उन सभी का यहाँ पर पैसा रिफंड करना है। यानी कि जिनको जिनको पैसा ले रहे हैं, यानी पीएम किसान का जो पैसा ले रहे हैं और जो आईटीआर फाइल करते हैं यानी टैक्स भरते हैं, तो उन या टैक्स नहीं भरते हैं, यानी आप एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपको टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं। अगर टैक्स भरते होंगे तो यहाँ पर आपको पैसा रिफंड करने का ऑप्शन आया है आप सभी को। यहाँ पर लिखा हुआ है आप एक बार आप जो भी पीएम किसान का पैसा लेते होंगे तो सभी किसान लोग, यानी कि जितने जितने लोगों का पैसा आपको 6000 मिलता है, जो केवाईसी किए हैं, जो केवाईसी नहीं किए हैं, उन सभी को एक बार यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपको पैसा आता है कि नहीं आता है। और जो आता है तो आपको आईटीआर जो फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको पैसा रिफंड करना है कि नहीं करना है। अगर पैसा रिफंड नहीं करेंगे तो आपको ऊपर से आपको यानी कि पीएम किसान की तरफ से आप कार्रवाई किया जाएगा। अगर आप रिफंड करने लायक होंगे तो आप रिफंड करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप रिफंड नहीं करोगे ऊपर से आपको कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो उससे बेटर है कि आप एक बार आप यहाँ से चेक कर लेंगे आपको आप पैसा रिफंड करने के लायक हैं कि नहीं है, तो यहाँ से आप एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर आपको आना है जो मैं यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, जो ये वाला ये ऑप्शन है जो इस पर आपको आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले सेक्शन पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको सेकेंड वाला पेज तो अभी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को क्या हो रहा था कि यहाँ पर पेज ओपन हो रहा था। पहले इसका भी एक अपडेट आया था जिसमें ऑफलाइन यहाँ पर पेमेंट रिफंड करने का ऑप्शन था, लेकिन अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट रिफंड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको लिखा है इफ़ नोट पेड ईयरली देन द सेलेक्ट द ऑप्शन रिफंड अमाउंट ऑनलाइन। तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट अगर रिफंड नहीं किए होंगे, अगर आप पेमेंट रिफंड करना चाहते हो तो ये वाला पर आपको आना होगा। अभी ये वेबसाइट नया नया लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर ट्रैफिक इस पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वेबसाइट अभी ओपन ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिनको जिनको पैसा रिफंड करना है या नहीं करना है उसको चेक करने के लिए आपको ये वाला पर आना है, इस वाले पेज पर आना है, यानी पहला वाला पेज पर आना है और यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सबमिट जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है कि बाई आधार नंबर या और तो यहाँ पर चेक कर लेना। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर है अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, यहाँ पर तीनों से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप पैसा रिफंड करने लायक हैं अथवा नहीं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर यहाँ से सेलेक्ट करें, जैसे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करें तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, अगर मोबाइल नंबर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना है, जो यहाँ पर ये वाला जो दिखाया जा रहा है ये वाला कैप्चा, इस वाले बॉक्स में आपको फिलअप करना है। अगर यहाँ पर कैप्चा दिखाई नहीं दे तो ये वाला रिफ्रेश वाले पर क्लिक करके चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गेट डाटा वाला पर सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए मैं एक किसी का यहाँ पर डाल लेता हूँ डाटा, जैसे कि रिफंड जिसको करना हो यहाँ पर उसी का यहाँ पर डाटा सभी दिखाएगा, यानी कि जो भी व्यक्ति का जो पैसा रिफंड करना है उसी व्यक्ति के केवल यहाँ पर दिखाएगा। अगर जिसका नहीं दिखाता तो उसका बेटर है, वो उनको पैसा रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका पैसा यहाँ पर दिखाता होगा, यहाँ पर जिनका डिटेल खुल जाएगा, तो उनको समझिए कि यहाँ पर पेमेंट आपको रिफंड करना है।
तो क्या पेमेंट रिफंड कैसे करना है उसका मैं संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाकर दे दूंगा। आप सभी को अगर कमेंट रहा तो आप सभी को अगर कमेंट रहा कि हाँ ये पेमेंट रिफंड करने के लिए एक वीडियो बनाई, तो मैं आप सभी को एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक बात और ध्यान देंगे, जो पीएम किसान का केवाईसी अभी हो रहा है तो अभी केवल आधार के माध्यम से हो रहा है, जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही अभी यहाँ पर पीएम किसान का यहाँ पर केवाईसी हो पा रहा है। जैसे ही केवाईसी का ऑप्शन आएगा तो मैं आप सबको वीडियो बनाकर एक अपडेट जरूर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।